नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज। जुर्म का पर्दाफाश, सोनभद्र से बड़ी खबर। सोनभद्र में 12 लाख करोड़ का सोना मिलने का दावा झूठा। जीएसआई ने दिया स्पष्टीकरण, कहा 3000 टन नहीं सिर्फ 160 किग्रा सोना मौजूद। जीएसआई के निदेशक डॉक्टर जीएस तिवारी ने मीडिया को दिया स्पष्टीकरण। जीएसआई ने किया सोनभद्र में 52,806.25 टन स्वर्ण अयस्क होने का दावा, कहा अयस्क से प्रति टन सिर्फ 3.03 ग्राम ही सोना निकलेगा। जी हां, यूपी के सोनभद्र में सोने की विशाल खदान और 3000 टन से अधिक सोना मिलने का दावा झूठा साबित हो गया। दावा किया गया था कि सोनभद्र की धरती में दफन सोने की कीमत तकरीबन 12 लाख करोड़ से ज्यादा है। सोने का बड़ा भंडार पाए जाने की खबर से सोनभद्र समेत समूचे पूर्वांचल के लोग मगन थे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई ने शनिवार को हजारों टन सोना पाए जाने के दावे को बकवास करार दिया और कहा कि समूचे पहाड़ को खोदने पर लगभग 160 किलो सोना मिल सकता है। सोनभद्र के जिला खनन अधिकारी के राय ने कुछ रोज पहले हरदी पहाड़ी में 3000 टन से अधिक सोना होने की खबर मीडिया को देकर सनसनी फैला दी थी। लोगों को लगा था कि अब सोने की खदान से देश की गरीबी हमेशा के लिए मिट जाएगी, लेकिन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने शनिवार को सोने पाए जाने के दावे को खारिज कर दिया। जीएसआई के महानिदेशक एम श्रीधर ने शनिवार को कोलकाता में साफ साफ कहा कि सोनभद्र में सोने की खदान पाए जाने की कोई सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि जीएसआई की ओर से इस तरह का डाटा किसी को नहीं दिया जाता। जीएसआई ने सोनभद्र जिले में इतना सोना होने का कोई अनुमान नहीं लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य यूनिट के साथ सर्वे करने के बाद हम किसी भी धातु मिलने की जानकारी को साझा करते हैं।